सरसी क्या तुम रात को छत पर क्या एक मिनट अरे चलो तो सही सरप्राइज है सरप्राइज चलो आ जाओ चलो सरस तुम भी ये आपका सरप्राइज ये क्या है प्लीज खोल के देखिए दूसरा बादाम हमारे प्यार की पहली निशानी चलिए शुरू हो जाए मेरे साथ नहीं तो मैं कुमुद याद है पिछली बार जब मैंने कोशिश की थी तो कैसा टेढ़ा मेढ़ा बना था मुझसे नहीं होगा ये पर मेरे लिए वो सबसे कीमती खड़ा था इसलिए मैंने उसे संभाल कर रखा सरस उस वक्त हमारा प्यार अधूरा था पर अब पूरा हो गया अब हम इस घड़े को मिलकर साथ पूरा करेंगे आ जा सच में कहूं हमारे प्यार की तरह ये भी बनते बिगड़ते पूरा हो गया मगर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत वैसे ये आर्ट बहुत अच्छा है ना अगर तुम स्कूल टीचर नहीं होती तो मैं तुम्हारे लिए आर्ट गैलरी बनाता और तुम ऐसे ही एक से बढ़कर एक पॉट्स बनाती क्या हुआ तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू एज इन यू आर वेलकम कुसुम आई नो कल डैनी ने बहुत ओवर रिएक्ट किया चलो उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूं तुमसे अब उदास मत रहो ना प्लीज देखो मुझे तो तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है डैनी को तो है ना अब तक नहीं समझी उसके गुस्से को देखना अभी थोड़ी देर में खुद ही आ जाएगा छोटा सा मुंह बना के
सॉरी कहता हुआ। उसकी बातें अगर दिल पे लगाओगी तो सारी जिंदगी उसके साथ कैसे बिताओगी? बस इतनी सी स्माइल। शाबाश, हमेशा ऐसे ही रहो। जानी बेटा, बेटा अब तक नाराज हो? देखो कुसुम तो सब कुछ भूल भी गई। किचन में गाना गुनगुना रही थी, वास में फ्लावर सजा रही थी। कुछ सीखो उससे। रात गई, बात गई। माँ मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करती। भी नहीं रखने वाली। अरे सारे कैसे बिगड़ गए, देखो एक भी नहीं। देखो इतनी मेहनत से बनाए हैं। तो मेहनत से बनाए तो क्या अच्छे हो गए क्या? देखो कैसे ऊबड़ खाबड़ लग रहा है, ये सब फेंकने के लिए। अरे फेंको मत। देखो फेंको मत। देखो मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि ये तुमने बनाए हैं, पर सचमुच ये बहुत सुंदर है। अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा ना तो डैनी से पूछते हैं, ठीक है? अरे डैनी से क्या? अरे डैनी से पूछ रहा हूँ ना, एक मिनट। अच्छा तुम बताओ मुझे कि ये अच्छा है कि नहीं, बताओ। पूछने दो ना मुझे। भाभी भैया सही कह रहे हैं, ये पॉट बहुत प्यारा है। देखा? चुप रहो। और तुम तो अपने भाई के हाँ में हाँ मिलाओगे। ये मेरा आज तक का सबसे गंदा काम है। मुझे तो आज के बाद मटके बनाने ही नहीं चाहिए। अरे आप ऐसा क्यों सोच रही है? भाभी मैंने आपके बनाए हुए पॉट्स देखे हैं, किसी प्रोफेशनल से कम नहीं है आपका काम। अभी मैं आपसे झूठ बोलूंगा, मैंने आपके पॉट्स की डिजाइन देखी है, बहुत ही अच्छी है और इंडिया के बाहर तो इसकी बहुत डिमांड भी है। और आपको टीचिंग छोड़कर इसे अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, ये आपकी पहचान बन सकता है। क्या कहा तुमने? ये आपकी पहचान बन सकता है। तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई डैनी? अपनी भाभी की ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकते हो तुम? भाभी भी कोई मेरे बारे में ऐसे बोल सकता है? मैं सोच भी नहीं सकती थी। और डैनी तुम भाभी क्या हुआ? भैया क्या हुआ? ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। अरे मैंने कहा क्या? लेकिन भाभी 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 सुनिए। क्या समझी नहीं कुमुद, ये कौन सी चाल है? भाभी भाभी क्या हुआ? अच्छा बताइए मैंने ऐसा क्या कहा? आज तक किसी ने मुझे इतना नीचा नहीं देखा, किसी ने मेरे शौक का इतना मजाक नहीं उड़ाया। मैंने आपका मजाक कब उड़ाया? भाभी अगर आपको ऐसा लगता है तो आप सॉरी, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं तो था। क्या मतलब था तुम्हारा डैनी? क्या कहा था तुमने कि मुझे पढ़ाना छोड़कर मटके बनाने से? क्योंकि बाजार में ये मटके महंगे मिलेंगे और इसकी जो कीमत आएगी वो मेरी पहचान होगी। नहीं भाभी, हाँ मतलब मैंने कहा वही था, लेकिन मेरा इंटेंशन कुछ और। देखो डैनी, तुम्हें जो भी लगता हो, लेकिन तुमने जो कुछ भी कहा उससे मुझे बहुत दुख पहुंचा है। क्योंकि आप उसका गलत मतलब निकाल रही हैं। मैं सिर्फ आपको अप्रिशिएट कर रहा था कि जिस काम से आपको खुशी मिलती है वो आपको नहीं छोड़ना चाहिए। और कीमत मटकों की नहीं, ये आर्ट आपकी पहचान बन सकती है। कुसुम ने भी माँ को डांस करते हुए देखा, कुसुम ने भी देखा कि माँ को डांस करते हुए कितनी खुशी मिलती है। इसलिए उसे लगा कि माँ को डांस करना नहीं छोड़ना चाहिए। और ये उनका पेशा नहीं, उनकी कला है जो उनकी पहचान है, जो उसे लगा कि उन्हें नहीं छोड़नी चाहिए। डैनी, डैनी मैं मटके फेंकने जा रही थी तब तुम्हें सबको कितना दुख हो। उसी तरह जब कुसुम ने माँ के टूटे हुए घुंघरू देखे तो उसे भी दुख हो। और माँ ने उनसे कहा कि ये घुंघरू इसीलिए टूटे हैं ताकि वो फिर कभी नाच ना सके। कुसुम को उनकी तकलीफ का एहसास हो और वो उनके लिए ये घुंघरू बनवा कर लिए।
जैसे तुमने मेरी मटकों की कीमत लगाकर मेरे काम को इज्जत दी, उसी तरह कुसुम ने घुंघरू लौटाकर माँ की कला का मान रखा है। तो उसमें क्या गलत किया कुसुम ने? तुम्हें कैसे लगा कि कुसुम ने माँ का अपमान किया? आप ठीक कह रही है भाभी, मैंने फिर कुसुम पर शक किया, लेकिन मॉम ने मुझे क्यों कहा कि कुसुम उनसे? शायद उन्हें भी कोई गलतफहमी हुई होगी डैनी, पर तुम तो कुसुम को उनसे बेहतर जानते हो ना, फिर तुम उसे क्यों नहीं समझ पाए? क्योंकि मैं हूं ही ऐसा, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, मैं क्यों इतना नेगेटिव सोचने लगता हूं। अभी आप मुझे माफ कर पाएंगी? इस बार नहीं। भूल एक बार अनदेखी की जाती है, ये तुम दूसरी बार कुसुम पे इल्जाम लगा रहे हो, वो भी बिना सोचे समझे। मैं अभी जाके कुसुम को सॉरी बोलता हूं। ऐसे नहीं, घुटनों पे जाकर कान पकड़ कर माफी मांगनी होगी और उसे यकीन दिलाना होगा कि तुम दोबारा उस पे शक नहीं करोगे और कभी उसका दिल नहीं दुखाओगे। वैसे आपसे एक बात पूछनी थी, इतने कमाल के आइडियाज लाती कहां से हैं आप? वो क्या है ना कि मेरी जो पति है ना, वो शक्ल से इतने स्मार्ट नहीं लगते, पर है। मैं सोच रहा था कि अगर हम दोनों की टीम बन जाए तो हम बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ये छोटे मोटे झगड़े क्या चीज है? तुम नहीं जानते कि ये झगड़ा क्यों हुआ है सरस, इसलिए हम दोनों नहीं, इसे सुलझाने की जिम्मेदारी मेरी, सिर्फ मेरी।